हेलो सर, जर्नलिज्म आपने तब भी देखा है, आपने अब भी देखा है सर, आगे भी देखेंगे। तो तब में और अब में सर कितना चेंज हुआ है? बहुत खराब हो गया है, पर अच्छी बात है कि ज्यादातर यहाँ लड़कियों को मिली। सबसे अच्छी बात है कि टीवी वालों को नहीं मिला, क्योंकि वो पत्रकारिता वहाँ हो नहीं रही है, बंद हो गया है पूरा। दर्शकों को एक खास नेता के लिए बेवकूफ बनाने का प्रोजेक्ट चल रहा है टेलीविजन में, तो बहुत मैं खुश हूँ कि टीवी वालों को नहीं मिला है। ये मैसेज जाना चाहिए कि टेलीविजन में किसी लायक काम नहीं हो रहा है। कुछ लोग अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, पर उस कुछ लोगों के नाम पे जो बुराइयों का जो 90% जो दलदल बन गया, उसको तो हम नहीं कर सकते। पर अच्छा लगा कि ज़्यादातर यंग हमारी फीमेल कॉलीग्स सबको पुरस्कार मिला है, तो ये राहत की बात है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि इसी में से कुछ शायद कोई आगे जाएगा और लकीरें बनाते चला जाएगा। सर, युवा पत्रकारों की संख्या बढ़ गई है पहले से अभी? उससे कुछ नहीं होता है युवा के बढ़ जाने से। ये प्राइम मिनिस्टर वाला लॉजिक मुझे मत दीजिए यार, कि इतने % युवा हैं तो देश में युवा होगा। बोरा में आलू नहीं है युवा, एक युवा हो चार युवा हो, काम का काम करना चाहिए। तो काम जो अच्छा कर रहा है वो अच्छा कर रहा है, बहुत ही बढ़िया वाला है। और ठीक है कि यंग लोग चैलेंज ले रहा है, लड़कियां ज्यादा चैलेंज ले रही हैं। लड़के लोगों को परिवार में ही सिखाया जाता है सेटिंग वेटिंग करते रहना, ये वो, तो उसमें लग गए हैं एडिटर बन के अपना सेटिंग वेटिंग करने में, इसीलिए पत्रकारिता की ये हाल है। पर देखिए कितने यंग लोगों को इस बार पुरस्कार मिला, तो एक उम्मीद है ना कि कोई कर रहा है अपनी जगह पे, कोई जो बेसिक काम है वो करता चल रहा है, तो ये इसका मैसेज अच्छा है। सर, जब बेसिक काम करते चलते हैं तो क्रिटिसिज्म भी बहुत फेस करना पड़ता है, वो तो उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। सर, आपको ट्रोल से फर्क पड़ता है? पहले पड़ता था, अब क्या फर्क पड़ता है? डील कैसे करें, उनको पढ़ें, उनको समझें। कुछ कुछ ट्रोल सब ठीक बात बोलता है तो ठीक जवाब देता हूँ, कुछ लोग जो गाली देने वाले लोग होते हैं, मारने काटने वाले लोग होते हैं, तो अब उनको क्या किया जाएगा बताइए, उसका तो कुछ कर नहीं सकता। जर्नलिज्म में एक अवार्ड आज दिया जा रहा है एक्सेलेंस इन जर्नलिज्म के लिए, एंड हर उभरता या यूं कहे एक बडिंग जर्नलिस्ट, कोशिश उसकी होती है कि उसकी स्टोरी ज्यादातर लोगों तक पहुंचे। तो सर, जब कोई स्टोरी चेस कर रहे होते हैं तो वो कौन सा पैरामीटर है जिस पे सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए? देखिए, एथिक्स से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, है ना, और थोड़ा जल्दी का दबाव रहता है तो उसको थोड़ा टालिए, थोड़ा रेजिस्ट कीजिए उसको, और सिर्फ स्टोरी के डीप में तो जाइए ही जाइए, लेकिन दुनिया को, समाज को, जिस तरह के विषय आप कवर करते हैं उसका गहन अध्ययन कीजिए। पढ़ाई आपकी हमेशा काम आएगी, अगर आप पढ़ाई से बचेंगे तो फिर बहुत मुश्किल है, क्योंकि अंत में मान लीजिए कि 2-3 साल बहुत सारे पत्रकार जो हैं पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। उसका कारण यह है कि सबके पास उतना पैसा नहीं होता है और सबके पास उतना वक्त नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि उसी में थोड़ा सा गुंजाइश निकाल के पढ़ते रहिए, वो आपको पढ़ाई आपको अच्छा करेगी। सर, वन फाइनल कमेंट, सर, जब भी कोई स्टोरी करते हैं ना तो लोग ये उंगली जरूर उठाते हैं कि ओपिनियटेड है या यू आर साइडिंग विद वन पार्ट ऑफ द स्टोरी, तो सर सच का दूसरा पार्ट नहीं होता दोस्त, ठीक है। ये लोग जो लोग कह रहे हैं, दुकान चला रहे हैं आजकल देश में झूठ का, उनकी चिंता मत कीजिए। आपको मालूम है ना प्राइम मिनिस्टर ने झूठ बोला था गांधी जी के बारे में, पता है आपको? तो रिसर्च किया कीजिए। उन्होंने रामलीला मैदान में खड़े होकर, राम के नाम पर जो मैदान है वहां खड़े होकर गांधी के नाम पर झूठ बोला है, उसका कोई दो साइड हो सकता है? नहीं हो सकता ना, तो साफ साफ कहना पड़ेगा ना कि पीएम ने झूठ बोला, वो भी 130 करोड़ भारतीयों के नाम पे, तो उसका क्या दूसरा साइड हो सकता है? एक ही साइड हो सकता है कि आप किताबें पढ़ें, गांधी जी के प्रवचन पढ़ें, चीजों को समझें और बात को रख दें, बात खत्म हो गई। तो उनको बुरा तो लगेगा ही कि आप उनकी बात को ऐसे पकड़ रहे हैं, तो ट्रोल लोग रखे किस लिए गए हैं, इसी के लिए रखे हैं, तो इसलिए ज्यादा परेशान नहीं होना है, ज्यादा परेशान नहीं होना, बस यही गुरु।